हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हमारे फ्री फायर के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू वैलेंटाइन इमोट पार्टी इवेंट के बारे में। तो गाइस कब तक आने वाला है, कंफर्म डेट के बारे में जो आप बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और साथ ही गाइस बात करेंगे नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस कौन सा इनक्यूबेटर जो है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर देखने में मिलने वाला है। और साथ ही गाइस बांग्लादेश सर्वर के अंदर बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले अपकमिंग न्यू इमोट पार्टी इवेंट के बारे में, जिसके मेन इमोट जैसे आप स्क्रीन पर देखा कुछ इस तरीके के सभी इमोट जो होने वाले हैं जो हमारे इमोट पार्टी वैलेंटाइन इमोट पार्टी इवेंट के अंदर देखने में मिलने वाले हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं जिसका मेन इमोट जो है बी माई वैलेंट, जो टॉप के अंदर फर्स्ट वाला जो इमोट दिखाया गया मल्टीपल इमोट जो होने वाला है, तो मेन इमोट होने वाला है हमारे वैलेंटाइन इमोट पार्टी इवेंट का, जो कि कुछ इस तरीके का हमारा इमोट पार्टी इवेंट जो देखने में मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर कब तक जो आने वाला है, जो कि 14 फरवरी से 20 फरवरी तक जो है हमारा इमोट पार्टी इवेंट जो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट इनक्यूबेटर के बारे में। तो गाइस कौन सा इनक्यूबेटर जो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर आने वाला है कंफर्म हो चुका है। तो गाइस जैसे कि लेक्सन अपडेट निकल गया है, वुडी पिकर का इनक्यूबेटर जो है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिलने वाला है। जैसे आप स्क्रीन पर देखो कुछ इस तरीके हमारा वुड पिकर का जो है इनक्यूबेटर जो आपको हमारे इंडियन सर्वर के अंदर देखने को मिलने वाला है। और साथ ही गाइस बांग्लादेश सर्वर के अंदर भी जो हमारा वुड पिकर का इनक्यूबेटर आने वाला है। और साथ ही गाइस एक न्यू रिटर्न इनक्यूबेटर भी जो है देखने को मिलने वाला है, जिसका रिव्यू जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि वो भी जान पाए फ्री फायर के अंदर आने वाले डेली अपडेट्स के बारे में। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटेड वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही वाले बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो जो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले, और कोई भी डेली अपडेट है अदर अपडेट की वीडियो आप मिस ना पाए। तो गाइस बात कर लेते हैं हमारी टॉप वाली वुड पिकर की स्किन के एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो डैमेज को डबल प्लस कर दिया है, सिंगल माइनस कर दिया है मैगजीन, और सिंगल प्लस जो है कर दी है एक्यूरेसी। तो गाइस कुछ इस तरीके की हमारी टॉप वाली जो है वुड पिकर स्किन के एट्रीब्यूट होने वाले, जो कि बहुत ज़्यादा ओपी वाली जो है देखने को मिलती है। और बात कर लेते हैं सेकंड वाले की, तो जो कि कुछ रेड कलर है, रेड एंड पिंक कलर की देखने को मिलती है, जिसके एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो गाइस डबल प्लस रेट ऑफ फायर, सिंगल प्लस जो है मैगजीन कर दी है, और सिंगल प्लस जो है मूवमेंट स्पीड, सिंगल माइनस जो है मूवमेंट स्पीड कर दी है। तो गाइस बहुत ज़्यादा ओपी वाले जो इफेक्ट होने वाले एट्रीब्यूट होने वाले हैं। एनिमेशन वगैरह के बारे में बात करें तो गाइस कुछ इस तरीके की एनिमेशन जो है देखने को मिलने वाले हैं, जो कि रेड एंड पिंक कलर के मतलब स्मोक वाले इफेक्ट जो है देखने को मिलते हैं। और बात कर लेते हैं हमारी लास्ट वाली थर्ड वाली स्किन के बारे में, जो कि हमारी इनक्यूबेटर की लास्ट स्किन होने वाली है, लास्ट वाली स्किन होने वाली जो कि थर्ड स्किन होने वाली है वुड पिकर, जिसके एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो गाइस, और लुक के बारे में बात करें जो कि नॉर्मल सी लुक होने वाली है, और एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो गाइस डबल प्लस कर दी है रेंज, सिंगल माइनस कर दी है रिलोड और रिलोड स्पीड, और सिंगल प्लस कर दी है एमो पेट्रेशन। कुछ इस तरीके एट्रीब्यूट और कुछ इस तरीके इसके अंदर स्मोक एनिफिनेशन जो है व्हाइट कलर के देखने को मिलते हैं। तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी लुक तो नहीं है, ओपी वाली तो नहीं बोल सकते, बट अच्छी लुक जो है देखने को मिलती है। तो गाइस मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आई, आप सब लोगों को कैसे लगी ये वाली लास्ट वाली स्किन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए। सो गाइस कुछ इस तरीके का इसका जो है ब्लू प्रिंट जो है देखने को मिलने वाला है, जो हमें बहुत ज़्यादा ओपी वाला जो देखने को मिलता है। और सो गाइस कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइए हमारा आने वाला अपकमिंग नेक्स्ट वुड पिकर इनक्यूबेटर तो गाइस कैसा होने वाला है। तो गाइस जैसे ही आपने मैंने रिव्यू कर दिया, तो कुछ इस तरीके ये वाली गंजा वुड पिकर इनक्यूबेटर के अंदर देखने को मिलने वाले। बात कर लेते हैं नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कुछ इस तरीके हमारा नेक्स्ट डायमंड रॉयल बंडल आने वाला है, जिसके प्राइजेस वगैरह जो है चेंज देखने को मिल सकते हैं। मे बी गाइस 60 डायमंड के अंदर या 80 डायमंड के अंदर देखने को मिल सकता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा गया, तो गाइस बहुत ज़्यादा ओपी वाला होने वाला हमारा डायमंड रॉयल बंडल, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखा गाइस, ये लड़कियों के लिए तो बहुत ज़्यादा ओपी वाला होना है, लड़कों के लिए तो गाइस बेकार ही है। तो आप सब लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेगा करने वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।